हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एमबीए सीईटी कैप राउंड का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी आ चुका है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू चेक कि वो चेक कैसे करना है, उसमें जो कुछ भी एब्रीवेशंस दिए उसके फुल फॉर्म क्या है। अदर थिंग, अगर आपको उसमें ग्रीवेंसेस है तो आपको क्या करना है। थर्ड थिंग, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का तो नाम ही नहीं आया है वो लिस्ट में, सो वॉट दे शुड बी डूइंग। एंड फोर्थ थिंग, कि ग्रीवेंसेस जो आए हैं वो डालने कैसे, अभी तक तो वो प्रोसेस आया नहीं है। बट देन इफ you have some grievances related to name, number, category, anything, how to put forward those grievances, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना MBA, MMS, CET वाले इस पे जाओ। यहाँ पे provisional merit list for Maharashtra state candidates and provisional merit list for all India candidates दोनों आया है। For Maharashtra state candidates आप ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द कंप्लीट एब्रीवेशंस के डिटेल्स, है ना। ये आपके एब्रीवेशन के डिटेल्स है। RMC मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन, है ना। AI मतलब ऑल इंडिया मेरिट नंबर। YAGS, TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको माइनॉरिटीज यहाँ पे या फिर उसके एब्रीवेशंस पता चलेंगे। नेक्स्ट। अभी दिस इज द रैंक। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी ही आएगा, आपका कैंडिडेट नेम आएगा, जेंडर, आपका यूनिवर्सिटी, आपका कैंडिडेचर टाइप, सीईटी परसेंटाइल, ट्वेल्थ का परसेंटाइल, ट्वेल्थ का स्कोर, और टेंथ का परसेंटाइल, फिर टेंथ का साइंस, टेंथ का मैथ्स, टेंथ का इंग्लिश, क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग एग्जाम आपकी कौन सी है, कि भाई आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कि क्वालिफाइंग एग्जाम में आपके कितने परसेंट आए हैं वो, फॉलोड बाय दैट आपकी कैटेगरी। SLC मतलब स्टेट, SLC का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है। यहाँ पे SLC सबसे ऊपर अगर आप देखोगे, SLC का मीनिंग दे रखा है SLC मतलब स्टेट लेवल कैटेगरी जनरल मेरिट लिस्ट, स्टेट लेवल कैटेगरी जनरल मेरिट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लेवल कैटेगरी जनरल मेरिट लिस्ट। तो अभी आप जैसे जैसे नीचे आओगे, लेट अस से अब मैं 142 पेज नंबर पे जाता हूं, तो आपको आपका एप्लीकेशन आईडी, आपको आपका नेम, जेंडर, ये सब सर्च करना है, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। अभी दिस कैंडिडेट उसका SLC जनरल स्टेट लेवल कैटेगरी रैंक 214, तो उसका SC कैटेगरी में 214 रैंक है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। सो ओवरऑल काफी इजी प्रोसेस है। लेट अस से अगर आपको कुछ देखना है, आपका नाम कैसे आएगा, क्या नाम से रहेगा, तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पे डाल सकते हो। लेट अस से अक्षय करके मैंने डाला है ना, तो अक्षय शर्मा करके अगर ऐसे मैंने डाला तो अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। बट देन अगर मैं सेजल करके डालता हूं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मिलेंगे एंड वो सारे कैंडिडेट्स का मैं वहां पे चेक कर सकता हूं। तो आपको आपका नाम इस लिस्ट में चेक करना है एंड देर आर मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स इन दिस लिस्ट। तो ये लिस्ट में आप अपना चेक कर सकते हो, आप उससे चेक कर सकते हो या फिर ये वाला जो नंबर है वो भी आप सर्च कर सकते हो एंड यू विल गेट द रैंक, आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे। अभी दो कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे सब कुछ सही है ना। अगर ये तुम्हारा ये है एंड यहाँ पे आपका सब कुछ सही सही मेंशन है, आपका 10, 12 ग्रेजुएशन सब कुछ सही मेंशन है, जनरल मेरिट लिस्ट एंड एवरीथिंग, ऑल द रैंक्स आर मेंशन करेक्ट, तो अगर इसके आगे आपको कुछ करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। इफ एवरीथिंग इज राइट फॉर यू, आपको कुछ भी नहीं करना है। इफ देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस, कि आपका लेट अस से 10th का परसेंटेज ही गलत दे के रखा है, देन यू विल हैव टू रेज द ग्रीवेंस। वो ग्रीवेंस कैसे रेज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रीवेंस रेज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे एंड ग्रीवेंस का हम पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो पासवर्ड कॉपीड था, ये इधर आएंगे से, ठीक है। ऐसे आपको सिर्फ इतना कॉपी करना होगा, ठीक है। फिर ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लॉगिन कर दिया। नाउ ग्रीवेंस का कुछ भी आपको यहाँ पे आया नहीं है,
है ना, रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज, यहाँ पे कुछ भी आया नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट। अभी यहाँ पे ग्रीवेंस का थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ी देर में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में देखोगे आज से ग्रीवेंस रजिस्टर करने की प्रोसेस चालू हो चुकी है ना। वंस द ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट्स देन यू विल हैव द opportunity to change your name, date of birth, graduation के marks, percentage, categories सब आप change कर पाओगे, है ना। जिन कैंडिडेट ने पहले फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट की थी वो कैंडिडेट का अभी भी ग्रीवेंस अगर आता है तो वो फिजिकल स्क्रूटिनी के थ्रू ही क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप है आप अपना इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है वो चेक करोगे। अगर ये महाराष्ट्र वालों की लिस्ट है, ऑल इंडिया की लिस्ट अलग है। वंस यू गेट द नेम आप चेक करोगे सब कुछ सही है कि नहीं। इफ यू गेट द नेम सब कुछ सही है तो आपको कुछ नहीं करना है। इफ यू गेट योर नेम एंड कुछ गड़बड़ है तो आपको ग्रीवेंस अपडेट करना होगा। वो ग्रीवेंस अपडेट करने की डेट है 5 तारीख से 7 तारीख, वो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, प्रिटी सून इट विल स्टार्ट। वो जैसे ही स्टार्ट होगा आई विल लेट यू नो। वंस दैट इज डन, अभी देन देयर आर अदर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनका नाम ही इसमें नहीं आया है ना, ये लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू विजिट द एफसी सेंटर। अभी एफसी सेंटर पे आप कॉल करोगे तो वो बोलेंगे कि यार यहाँ पे हमारा फिजिकल स्क्रूटिनी खत्म हो गया है, बट देन अगर खत्म हो गया है तो ये लाइन नहीं लिखी रहती ना, who selected physical scrutiny mode shall visit FC for resolving the grievances. So you have to just go there, make sure that you stand on their head and if वो आप अपना काम करवा के लो, ठीक है। अगर आपका नाम उसमें नहीं आता है, आपका application नहीं display होता है, then it is a big issue. So make sure कि आप अपना नाम यहाँ पे displayed होना ही चाहिए। उसके लिए आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा 2-3 दिन, तो खड़े रहो because it is a big thing. ठीक है, don't give up so easily. ठीक है, सो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।